हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ शालिनी अग्रवाल एंड वेलकम टू मार्केट डेस्क वेल्थ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स और साथ ही हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे एंड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी बाउंस्ड बैक लेड बाय बैंकिंग सिलेक्ट आईटी एंड पीएसयू स्टॉक्स बूस्टेड सेंटिमेंट आफ्टर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन फेल टू 3-month लो इन जनवरी एंड बेटर देन एक्सपेक्टेड रिपोर्टेड दिसंबर आईआईपी नंबर। बीटन डाउन पीएसयू सेक्टर्स लाइक रेल बैंक्स कैपिटल गुड्स एंड एनर्जी स्टॉक्स बाउंस्ड बैक ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग अहेड ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डेटा टू बी रिलीज्ड टुडे एंड अ मिक्स्ड बैग ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। Nifty index opened positive and witnessed swings throughout the session. After dropping 21,543 in the first tick, it recovered by 222 points, which was again followed by a slight dip and finally recovered in the second half of the day. It closed near its day's high with gains of around 125 points. Nifty has to hold above 21,750 zones for an upside move towards 21,850 and 21,950 zones, whereas supports are placed at 21,650 and 21,550 zones. तो चलिए अब देखते हैं 3 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 मोमेंटम स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 7 टू 10 डेज। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे। The operating revenue in quarter 2 rose 20% year-on-year to ₹2,437 crores. Paytm shares hit lifetime low ₹380 per share after Macquarie cuts rating. NHPC share price surges 8% after announcing interim dividend. आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग मार्केट डेस्क और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।